आप समझना यहाँ पर, अरे गांधी जी का अभी इससे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे, तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया चौरी चौरा घटना घटने के बाद, जो देवरिया जिला में जो जुलूस जा रही थी, उस जुलूस में वहाँ की मतलब सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिपाही पूरी तरह से थाना में चले गए, उस थाने को जला दिए, कुछ ब्रिटिश के भी सिपाही मरे, कुछ इंडियन सिपाही भी मरे। इसको देखकर गांधी जी ने जो है उसी बारदोली में, याद है ना, बारदोली में जो कांग्रेस की बैठक की, उसी बैठक में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने का निर्णय लिया। क्या भारत में कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हुआ? और उसी वजह से ध्यान देना, इसी चौरा चौरी इंसिडेंट के वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, और उधर ब्रिटिश सरकार इसी घटना के वजह से गांधी जी को जेल भेज दी, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, 6 साल के उनको जेल हुआ। लेकिन ये 1922 में जेल गए 1922 में, लेकिन 1924 में ये वापस आ गए, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया इसके वजह से आ गए। तो 1922 में गांधी जी जेल में चले गए, तो 22 के बाद क्या हुआ पूछोगे अगले साल, 22 में क्या हुआ? क्या गांधी जी अगर जेल में चले गए तो भारत में चारों तरफ साइलेंट हो गए, सभी लोग शांत हो गए थे? तो नहीं। देखो, उधर गांधी जी जेल गए तो इधर 1923 में जो है गुजरात में एक आंदोलन देखने को मिला। तो गुजरात में क्या आंदोलन देखने को मिलेगा? तो गुजरात में वारसाड मूवमेंट दिखा। अब यहाँ पर क्या था, व्हाट वाज वारसाड मूवमेंट, वारसाड मूवमेंट क्या था? तो वारसाड मूवमेंट गुजरात में डकैती जो एक्टिविटी हो रही थी उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस बल का व्यवस्था किया। उसी पुलिस बल व्यवस्था के लिए उसने पर व्यक्ति जो टैक्स होता है ना, चाहे पर व्यक्ति कुछ पैसा लगा देना, वही लगाया 2 रुपया समथिंग, जिसके वजह से लोगों के अंदर असंतुष्टि हो गई और लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम लोग इतने पैसे कहाँ से देंगे। और उसी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन किया गया। लास्ट में वो जो कर लग रहा था पर व्यक्ति, उसको रद्द कर दिया गया। वही 1923 में जो वारसाड मूवमेंट दिखा गया, तो वही 1924 में चलो कि 1924 में क्या हुआ। अब सोचो गांधी जी उधर जेल में, लेकिन 1924 में वैक्यूम सत्याग्रह। अब वैक्यूम सत्याग्रह क्या था, वैक्यूम सत्याग्रह क्या था? तो वैक्यूम सत्याग्रह केरला में छुआछूत लगाकर बहुत सी समुदायों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे प्रतिबंध लगाया गया था, तो वहीं पर जो है टीके माधवन के नेतृत्व में यही जो है वैक्यूम सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया, जहां पर इस तरह की मतलब गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया। और वही नहीं, 1924 में अगर चले जाओ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये क्या था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक समझ लो, हिंदुस्तान रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, गणतंत्र, कि भारतीय हिंदुस्तान गणतांत्रिक व्यवस्था, क्या हिंदुस्तानी मतलब गणतांत्रिक संघ बनाने की कोशिश की गई, वही एक बनाया गया हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन। ध्यान देना, इसके जो अध्यक्ष थे कहोगे सर किसके द्वारा यह बनाया गया था, यहाँ पर हमने लिखा है सचिंद्रनाथ सन्याल। तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई। इसे आगे जाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदल दिया गया। किसने बदला था? चंद्रशेखर आजाद ने, 28 की बात है, ठीक है। आगे आते हैं, देखो गांधी जी उधर जेल में थे, तो इधर पूरे भारत में हम लोग को एक वारसाड मूवमेंट देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ हमको क्या मिलता है, वैक्यूम सत्याग्रह देखने को मिलता है। 1924 के बाद 1925 चलो, 1925 में वहाँ क्या था, उत्तर प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी जिन्होंने जो है एक काकोरी कांड कहोगे सर काकोरी कांड क्या था, तो काकोरी कांड में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश की एक जगह पर काकोरी था, वही ब्रिटिश सरकार का जो है बहुत सारा मतलब ट्रेन से कुछ सामान आ रहा था, वहाँ पर इस क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को लूट लिया, उसी को काकोरी कांड कहा जाता है, लूट लिया गया। इसी काकोरी कांड में जब हुआ तो बिस्मिल्ला खां और अशफाकुल्ला खां, ये दो लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। सोच लो, तो ये दो लोग फांसी की सजा सुन खा चुके थे, अब दो लोग 1925। इधर समझो गांधी जी पूरी तरह से साइलेंट हैं, चूंकि पता है ना कि इनको 6 साल की जेल हुई है, अभी इनको जो जमानत मिली है जेल से, तो अभी कुछ मूवमेंट नहीं ना कर सकते ये।
अभी इधर गांधी जी पूरी तरह से साइलेंट है, उधर 1926 उधर 1926 में बस ये देखने को मिलती है कि एक ट्रेड यूनियन बनता है। लेकिन 1927 में जो हो रहा था वो एक बड़े आंदोलन को फिर से न्योता दे रहा था। 1927 में क्या देखने को मिला, क्या देखा ना, 1927 एक्ट जो भारत में 1919 एक्ट बनकर आया था, तो उस 1919 एक्ट में ये था कि भारत में जो द्वैध शासन सिस्टम चल रही थी, इससे भारत के लोग भी उब चुके थे, ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि कुछ चेंजेस किया जाए। इन्हीं दोनों को लेकर यहाँ पर वो जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक आयोग गठन करने का निर्णय लिया, आज अंडर साइमन, ये साइमन क्या है, साइमन एक अंग्रेज का नाम है, उसके आगे कमीशन लगाए, तो इसका मतलब साइमन आयोग, तो यह साइमन आयोग बना। इस साइमन आयोग का था कि आप जो है, जो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 10 साल बाद भारत के विधि और कानून या वहाँ की शासन प्रणाली में परिवर्तन की जाएगी, जरूरत है कि उसको परिवर्तन किया जाए। ब्रिटिश के प्रधान अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कथा अनुसार साइमन के साथ 7 मेंबर और लगे, और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन और कमिटी वाज ऑर्गेनाइज, और 7 मेंबर के साथ मतलब साइमन और साइमन के साथ 7 मेंबर, इन लोगों ने बैठकर जो है एक आयोग गठित किया, आयोग गठित करके भारत के विधि बनाने के लिए तैयार करने शुरू कर दिए। इसमें जो ये बन रहा था कानून, ये जो विधि बन रही थी, ये जो संविधान बन रहा था, ये इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं थे, कि सोचो कि भारतीय मेंबर नहीं थे, इसी वजह से मद्रास कांग्रेस सेशन डिसाइडेड टू बॉयकॉट, कि मद्रास कांग्रेस मद्रास में जो कांग्रेस सेशन का हुआ बैठक, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन जो भारत आ रहा है, जो आयोग आ रहा है, जो आयोग कानून लेकर आ रही है, जो विधि लेकर आ रही है, तो हम भारतीयों का देश, हम भारत हैं, हम भारत के लोग हैं, हमारा कानून, हमारा देश, और हम ही इस देश के रहने वाले हैं, और हम देशों के, हम के, हमारे लिए जो कानून बन रही है, जो विधि बन रही है, हम भारत के लोग ही नहीं रहेंगे। ये कैसा कानून है, ये कैसा आयोग है। इसी को लेकर मद्रास कांग्रेस सेशन में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, समझ गए। अब ध्यान, 1927 ठीक यही हुआ, 1928 में साइमन कमीशन रिच बॉम्बे, साइमन कमीशन जब बॉम्बे पहुंचे, तो बॉम्बे पहुंचने के बाद वहां पर ध्यान देना, साइमन कमीशन का पूरी तरह से यह कहा गया, साइमन कमीशन गो बैक, गांधी जी कम बैक, गो बैक करने में लाला लाजपत राय बहुत लाठी बरसा दिया सर। तुरंत लाला लाजपत राय वहीं पर स्पोर्ट देख कर गए, बस ये कहते हुए, हाँ लाला लाजपत मारे मरते समय उन्होंने एक बात ये कही थी, समझ गया ना, लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी कि मेरे बरसे हुए ना एक एक लाठी की जवाब तुम्हें भविष्य में मिल जाएगी, यही कुछ टाइप स्टेटमेंट कहे थे, ठीक है। उधर लाला लाजपत राय 1928 में मरे, ठीक है, लाला लाजपत राय मरे थे सोच लो तू। उधर इधर क्या हो रही है, इधर नेहरू रिपोर्ट क्या तैयार की गई, तो ध्यान देना, जो मोतीलाल नेहरू, याद है ना तुम लोग, हम बताए थे कि सन 1922 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी की गठन की थी, या स्वराज पार्टी में लोगों ने कह दिया नो एप्लीकेशन नो फी डायरेक्ट भर्ती है, हमारे पार्टी में आइए, इन कांग्रेसियों से कोई स्वराज मिलने वाला नहीं है। इसी स्वराज पार्टी को यहीं पर ध्यान देना, ये जो हेड, वहां पर एक हेड अंग्रेज ऑफिसर था, उसने चुनौती दे दिया था, उसने ये चुनौती दिया कि अगर आपने खुद से अपने अगर कानून बना लिया आप लोगों ने अगर आपने कानून बना लिया हम लोग उसे स्वीकार करेंगे, या जो आयोग आ रही है उसमें हम आपको बैठने का मौका देंगे। मोतीलाल नेहरू तुरंत एक्सेप्ट किए, अब मोतीलाल नेहरू ने तुरंत 8 सदस्यों का एक कमिटी बनाई, और उस कमिटी बनाकर उन्होंने जो कानून विधि बनाई और बनाकर जो प्रेजेंट किए, उसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। समझ में आ रही है, भारत की जो भी शासन प्रणाली या संवैधानिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो पेश कर दी, उसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर ये जो हो रहा था इसी को लेकर गांधी जी के पास भी गया खबर, गांधी जी ने
जो इस कांग्रेस सरकार के साथ इस तरह की जो हो रही थी, साइमन कमीशन जो ये कर रहा था, तो साइमन कमीशन दंदना साइमन कमीशन ये असफलता मानेंगे। साइमन कमीशन का जो है बॉयकट असफल होना, ठीक है, यहाँ पर अशफाक उल्ला और ये बिस्मिल्ला खां, ये इन लोगों को जो है बिस्मिल खां इन लोगों को जो है फांसी की सजा। तो ये साइमन कमीशन का, दूसरा लाला लाजपत राय का, नेहरू रिपोर्ट का, ये सभी जो घटनाएं घटी ना, कई जगह पर अनसक्सेस हुए। इस वजह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब हमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, फिर से एक बड़ा आंदोलन। सब लोग सिर खुजाने लगे कि एक तो आंदोलन किए तो आप तो गए ही, बहुत से लोग को लेकर गए, इस पर क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना, गांधी जी इधर आंदोलन को सोच ही रहे थे तब तक से मोहम्मद अली जिन्ना अपना 14 डिमांड लेकर पहुंच गए कि मेरी 14 डिमांड है, इस 14 डिमांड में पूरा की जाए। और 14 डिमांड में एक था कि 1/3 सीटें रिजर्व कर दी जाए मुस्लिम लोगों के लिए। सब लोग भड़क उठे, एक तो पूरी तरह से इंडिया ही तुम लिखवा लो, समझ गया बात को। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पहले ही 14 डिमांड लेकर पहुंच गए, ये तुम समझते हो, आज तक से सुन नहीं जानते हो, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है 14 डिमांड रखा था। ठीक है, इधर देखो, उधर चंदना इधर 14 अली डिमांड लेकर पहुंचे, इधर बारदोली सत्याग्रह मोमेंट हुआ, इधर चंदना इधर ध्यान देना, ये मतलब हुआ इसी समय दिसंबर 1929 को गांधी जी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाहौर कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो लाहौर में बैठक हो गई, बैठक होने के बाद वहीं पर गांधी जी के कहने पर तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा लगा दिया कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम किसी का अधीन नहीं रहेंगे, हमारा देश है, हम राज करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ऐसी पूर्ण स्वराज के वजह से ध्यान देना, वहीं पर लाहौर कांग्रेस सेशन लिखा है हमने, कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 ले लिया गया निर्णय। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाई गई, स्वतंत्रता दिवस मनाई गई इसी 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए तुम्हारा संविधान जो बना ना, याद है ना कि नवंबर 1949 में बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को तू रिपब्लिक डे मनाता है, नहीं मनाता है, तो ये 26 जनवरी, ये ध्यान देना इसमें। इसके बाद ये 26 जनवरी 1930 को उसी समय से मनाया गया। अब उनसे मोहम्मद अली जिन्ना की तो बात हो ही गई, गांधी जी भी कम थे, गांधी जी ने कहा कि हम अगर जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने जो है 11 शर्तें, यह ध्यान देना, अपनी पूरी तरह से इन्होंने 11 शर्तें इरविन के सामने रखे। उस समय लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन के साथ में सामने जो इन्होंने 11 शर्तें रखे, और इन्होंने सीधी सी बात कही कि अगर आपने हमारी शर्तें स्वीकार नहीं किए तो हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब अवज्ञा का मतलब आज्ञा नहीं करेंगे, हम कानून को मानेंगे नहीं, हम कानून तोड़ देंगे। दादरा इनकी कोई बात नहीं सुनी गई, जब इनके साथ नहीं स्वीकार किया गया तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने अपने आश्रम से दांडी तक, 12 मार्च 1900 को इन्होंने दांडी यात्रा की, समझ गया ना बात, दांडी यात्रा किया। दांडी पहुंचने के बाद वहां कर भी कहानी बहुत अलग है, मैं इसको सेपरेट विपय बता दूंगा, ठीक है, दांडी मार्च का, चूंकि इसमें कुछ थोड़ा हंसने वाला भी है। यहाँ भी ध्यान रहा, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च पहुंचे, पहुंचकर उन्होंने हाथ में नमक उठा लिया, पूरी तरह से कानून टूट गया। भाई जिस एरिया को आपने कब्जा किया है कि सरकार का एरिया है, वही क्यों क्या कर सकते हैं, ये लोग जाकर नमक कानून तोड़ दिए, तोड़ कर सभी लोग ले गए। इनका देखा देखी असम में वहां पर भी कानून टूटा, यही नहीं तुम्हारे बिहार में भी, जी बिहार में भी दांडी मार्च में जो नाम कानून तोड़े गांधी जी, तो बिहार में भी टूटा। तुम मुंगेर चले जाओ, सारण चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, उन सभी क्षेत्रों में चौकीदारी टैक्स देने से सभी लोगों ने मना कर दिया था, इस तरह का कानून तोड़ा था बिहार में भी। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद ध्यान देना गांधी, अब ध्यान देना गांधी ने जो इतना बड़ा काम किया इसकी वजह से सब लोग यही दांडी मार्च, इसी दांडी मार्च की वजह से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को जही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जेल को पूरे चारों तरफ से घेर लिया सब, गांधी जी कम बैक, गांधी जी कम बैक, गांधी जी कम बैक,
गांधी जी कौन भाई, अब गांधी जी समझो कि जेल, इतना पूरा जेल चारों तरफ से घेर लिया सब। अब तो ऐसे लगा कि जेलर लोग और वहाँ के जो ऑफिसर थे तो समझो मर ही जाएंगे सब। सबके सब ब्रिटिश सरकार के जितने ऑफिसर थे सिर पर हाथ धकर बैठे थे, इसको अंदर रख रहे हैं तो वही हाल, बाहर रख रहे हैं तो वही हाल, करें तो करें क्या हम, और कुछ इसमें है भी नहीं। हाँ एगो रहता कि इसके शरीर में कुछ जान है, कुछ होता भी तो मान लो कि मारने वाले, लेकिन कुछ है भी नहीं, करे तो करे क्या। ये भैया कैसे भी उसको रिलीज किया गया, गांधी जी को रिलीज कर दिया गया। आज यही गांधी जी रिलीज हुए, तुरंत गांधी जी और इरविन के सामने समझौता होने लगा, उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं।